हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र चौधरी। आप देख रहे हैं आपका अपना गुवाहाटी स्ट्रीट चैनल। मैं इस वक्त हूँ असम में स्थित माँ कामाख्या मंदिर के पहाड़ पर। पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है, दोनों है। माँ कामाख्या मंदिर पर्यटक स्थल के साथ साथ धार्मिक स्थल है, टूरिस्ट प्लेस, मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है नॉर्थ ईस्ट का। ज़्यादातर यहाँ में आकर के माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। ये इसका रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक टर्निंग यहाँ में जाए, एक टर्निंग ऐसा भी है जहाँ आगे की तरफ आने वाला रास्ता का कोई गाड़ी आ रहा है वो पता ही नहीं चलता, आपको बहुत ही सेफली उसको टर्न करना पड़ता है। इस प्रकार से टर्न है कि आपको अपोजिट साइड से जो गाड़ी आ रहा है उसको किसी भी प्रकार से आप देख नहीं पाएंगे। बाकी सब तो ठीक है, बस वो टर्निंग की वजह से कभी कभी डर लगता है, हमें एक्सीडेंट होने का डर लगता है। तो देख रहे हैं मेरे पीछे ये माँ कामाख्या मंदिर का रास्ता का वीडियो। यहाँ पीछे एक ऊंचा स्थान वो जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ठीक पहाड़ का ऊपर है तो नीचे देखने के लिए एकदम बहुत ही अच्छा जगह बना दिया गया है, जो बहुत ही सुंदर और अच्छा नज़ारा आपको नीचे देख कर तरफ देखने को मिलेगा। ये माँ कामाख्या मंदिर का दृश्य। चलिए बाकी सब आपको नीचे नीचे करके दिखाते रहते हैं रास्ता कैसा है। 2000 से पहले यहाँ सरकार ने बहुत रास्ता को उतना हालत ठीक नहीं था, तो 2000 के बाद यहाँ में देखा बहुत सारा टूरिस्ट जो आ रहा है इस जगह में, इसीलिए रास्ता को असम सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा बना दिया गया है, एकदम हाई क्वालिटी का, खर्चा करके हमने रास्ते को सही बना दिया है। अभी हमें जितना भी टूरिस्ट प्लेस है इसके रास्ते की वजह से कोई भी परेशानी हमें नहीं होती है। मेरे पीछे अभी देख पाएंगे आप क्या नज़ारा है, वह आपको शायद दिखाई दे, ये देखिए यहाँ का नज़ारा, पूरा पहाड़, बीच में सड़क, ऑपोजिट पहाड़, एक रेल लाइन भी बीच से गुजरता है जो आपको शायद अभी दिखाई ना मिले क्योंकि बहुत ही हम लोग ऊपर में हैं, पहाड़ के ऊपर से वीडियो ले रहा है इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। और ये चलिए आगे चलते हैं, आगे भी आपको और मिलेगा नज़ारा। माँ कामाख्या मंदिर आज 21 मार्च है सर, हाँ 21 मार्च 2021 है, 21 मार्च 2021 को माँ कामाख्या मंदिर में आए हैं। यहाँ का नज़ारा कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। सुबह सुबह उठा तो एक आया आदमी, बोला चलो माँ कामाख्या मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, उसको घूमना है, माँ कामाख्या मंदिर जाएंगे और बालाजी मंदिर और असम चिड़ियाखाना जू, उसको क्या बायोटोनिकल गार्डन बोला जाता है, वहाँ में जाएंगे। तो ठीक है चलो, सुबह सुबह मेरा घूमना भी हो जाएगा, वीडियो लेना भी हो जाएगा, और मैं एक यूट्यूबर हूँ तो पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ, फुल टाइम नहीं हूँ, मेरा काम धंधा गाड़ी चलाना भाई, तो इससे मेरा काम भी हो जाएगा। ये कुछ हाँ बहुत पुराने ज़माने की बात इसमें बताया गया है, भगवान शिव को एक राजा ने, राजा का नाम मुझे याद नहीं है, महायज्ञ किया था, उसमें महाशिव को नहीं बुलाया गया था, महाशिव को नहीं बुलाने के वजह से माता पार्वती था दुखित हो गई, इसलिए उसने उसी महायज्ञ में अपनी आहुति दे करके प्राण त्याग कर दिया क्योंकि उसका पति का वहाँ अपमान हो रहा था, उसी को एक चित्र करके दिखाया गया है मेरे पीछे आप देख सकेंगे। चलिए एक और आगे में है उसको भी देख लेते हैं। ये शायद बनाया गया इनिशियली बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, इसीलिए इसे अपना नाम भी दे दिया है। यहाँ में इसमें आप देख पाएंगे माँ पार्वती यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देते हुए, बहुत ही अच्छा अच्छा विवरण और चित्रण किया गया इसे माँ, इसमें ये दिखाया गया है शायद तीसरा वाला है, भगवान शिव इससे अत्यधिक क्रोधित हो गए अपने और इसने क्रोधवश माता पार्वती को कांधा में उठा कर प्रविश्व का भ्रमण करने के लिए चला गया, जिसे पर दुनिया में हाहाकार मच गया, प्रविश्व में ब्राह्मण में हाहाकार मच गया था। तीन चित्र का यहाँ में वर्णन किया गया है,
ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ बात धार्मिक होता है तो उसमें ज़्यादा बोलने से जो समझाने नहीं पाएंगे सही तरीके से तो उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। चलिए देखते हैं नीचे पूरा जंगल झाड़, ज़्यादातर पहाड़ पर होता है, अभी बारिश का सीज़न नहीं है तो बनाया था हमें, हरियाली कुछ ज़्यादा ही होता है नीचे पहाड़ पूरा खाई। एक बार जो गिरना स्टार्ट होगा तो पूरा गिरते 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 नीचे ज़मीन में जा करके पहुँचेगा और जी नीचे से सीधा ऊपर पहुँच जाएगा। ये है माँ कामाख्या मंदिर का पहाड़ी मंदिर की तरफ जाने का रास्ता। हाँ, आगे एक सुंदर नीचे का नज़ारा देखने के लिए जो स्थल बनाया गया, चलिए वहाँ भी जाके एक बार नज़ारा देख लेते हैं कैसा होता है। चलिए आगे फिर वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्थ पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट का इलाका, ज़्यादातर इलाका पूरा पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ मतलब बरसात के जो आता है तो सारा का सारा पानी ब्रह्मपुत्र में आता है, जहाँ बाढ़ पानी अधिक अत्यधिक होता है हर साल। इसकी वजह से यह जान माल की बहुत ही आर्थिक निशानी नुकसान होता है। तो मेरे पीछे आप नज़ारा भी इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ एक पहाड़ है, इसके बगल में एक पहाड़ है, इस पहाड़ को क्रॉस करेंगे तो और एक पहाड़ है। मतलब ये डिस्टेंस कितना बताऊँ मैं अभी बोलिए तो, अगर सीधा जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 किलोमीटर का नज़ारा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का नहीं 3 पहाड़। अब जो बारिश होगा तो सारा का सारा बारिश का पानी एक ही जगह जगह होगा, या बारिश का पानी एक ही जगह स्थित होगा और उसमें पूरा बांध पानी एकदम हर साल होता है। इस वजह से चारों धाम तीर्थ यात्रा गया चला गया है। साईं बाबा का एक मंदिर जो गाड़ी में लेकर के साईं बाबा का मूर्ति, एक गाय जिसका आगे की तरफ से एक पाँव निकल रहता है वो लेकर के बिजली गया है। पूरा भारत को घूम घूम के भगवान साई का दर्शन हर एक आम जनता को कराते हैं। ये देखा अभी यहाँ का नज़ारा, सुबह सुबह अभी 7 बजे का टाइम है तो थोड़ा ठंडा ओस भी है इसलिए थोड़ा तो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे पीछे आप देख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये पहाड़ का और बाहर का दर्शन का नज़ारा करने के लिए एक ऊंचा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो नीचे कहीं जा रहा है, नीचे कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, रास्ता शायद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये रास्ता है नीचे शायद कुछ ऐसे, बगल में तो एक माता दुर्गा वन माता दुर्गा का एक मंदिर है बगल में ही, उसका भी एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। और यहाँ में रास्ता बना दिया है तोलट की ऐसे मंदिर ने कि बोले एने घूरा कान तलट नामा कान आज लो देखा ना जी है देखा बोलो गाड़ी लो ऐसे गाड़ी जा बोलो। चलिए रास्ता कुछ ऐसे यहाँ से शुरुआत होता है धीरे 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 करके, और नीचे की तरफ बताया जा रहा है कि नीचे पहाड़ से नीचे स्टॉपेज का नाम है मालिको, वहाँ में निकलेगा डायरेक्ट। अच्छा है, जैसे इस हर साल अम्बुबासी मेला होता है, एक मंदिर के पीछे की तरफ से भी एक हाईटेक रोड बना रहा है, ये नंबर वन है ही। एक बहुत पुराना है, जब ये रोड भी नहीं बना था पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए एक पैदल चलने का भी रास्ता था, ये तीसरा और पहाड़ के पीछे एक बन रहा है चौथा, टोटल 4 रास्ता हो गए मंदिर की तरफ आने के लिए, क्योंकि हर साल टूरिस्ट माता मंदिर में दर्शन के लिए हर साल बहुत ज़्यादा आते हैं। अम्बुबासी मेले में तो करीब 25 लाख क्रॉस कर देता है, तो इसी के लिए मुझे लगता है बनाया गया, लेकिन बहुत अच्छा बनाया, बारिश के समय में भी आराम से आगे फिसलने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक बनाया, अच्छा लगा। कुछ बॉयज लोग बैठ करके मैं था लगता यहीं का निवासी है, मैं बातचीत कर रहे पहाड़ गैलरी दिखाई दिया, तो गैलरी आपके साइड देख पाए, ऊपर एक गैलरी जा रहा है, चला गया गैलरी। ठीक है, फिर आज आगे का वीडियो शुरू करते हैं, कैसे लगा जरूर कमेंट नीचे कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करें और बुरा लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन दोनों ही सूरत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।